नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ये भुना हुआ चना लेके आई हूँ, इससे मैं बहुत ही स्वादिष्ट जो है ना बर्फी बनाने वाली हूँ। इसका कई सारा रेसिपी मैं भी बनाई हूँ, आप लोग भी बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन ये बर्फी एक बार आप इसका बना के देखिएगा खा के। तो इस तरह से आप छिलका उतार के भी इसका पाउडर बना सकते हैं और छिलका के साथ भी मिक्सी में बना सकते हैं, या आप पिसवाया हुआ मार्केट से भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पिसवा के लाई हूँ छिलका के साथ ही, और इसको थोड़ा सा छन्नी में छान लेते हैं। इसको सत्तू बोला जाता है, बिहार का फेमस सत्तू होता है ये, जो इसका बहुत सारा डिश बनाया जाता है। मैं भी कई सारा रेसिपी इसका जो है ना अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देखिएगा, सब रेसिपी इसका लाजवाब बनता है। लेकिन ये स्वीट मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे दो कटोरी मैं ली हूँ ये सत्तू, देखिए अच्छे से छान ली हूँ मैं छन्नी में, और इसी कटोरी से मैं यहाँ पे दो कटोरी मिक्स करने वाली हूँ। ये है मिल्क पाउडर, एवरी डे का मिल्क पाउडर है, यहाँ देख सकते हैं। ये दो कटोरी इसी से, जिस कटोरी से मैं सत्तू मापी हूँ उसी कटोरी से मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ, ये देख लीजिए मिल्क पाउडर भी। और दोनों को अच्छी तरह से हाथों से बस मिक्स करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ मैं कढ़ाई डाल रखी हूँ गैस पे, गैस अभी ऑन नहीं की हूँ, अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या करना है इसको। तो बने रहिएगा लास्ट तक, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सत्तू का बर्फी बनेगा, जो बहुत ही हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो आप छिलका उतार के भी पिसवा सकते हैं इसको, मैं छिलका के साथ ली हूँ, इससे और भी सेहतमंद रहेगा ये। और यहाँ देखिए उसी कटोरी से मैं यहाँ पे दो कटोरी ले रही हूँ चीनी, ये देख सकते हैं चीनी है। अब यहाँ गैस ऑन कर दी हूँ, और इसमें उसी कटोरी से नाप लेंगे यहाँ पे पानी, यहाँ देख सकते हैं एक कटोरी, और एक और डालूँगी हाफ कटोरी, है ना, वन एंड हाफ, डेढ़ कटोरी मैं यहाँ पे पानी डाल दी और दो कटोरी चीनी। ये माप आप सही रखिएगा, जो भी कटोरी से आप बनाए नाप करके उसी कटोरी से ये सारा सामग्री लीजिएगा, तो बहुत ही परफेक्ट और एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा। चीनी जो है ना इसमें भी होता है, मिल्क पाउडर में भी, इसलिए चीनी इतना डालने से ये बहुत ही परफेक्ट मीठा बना है। और यहाँ पर घी डाल रही हूँ मैं, तो घी यहाँ पर इसमें जैसे दो कटोरी बेसन है ना, तो मतलब बेसन नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, सत्तू है, तो सत्तू में कम से कम एक कटोरी यहाँ पे घी चाहिए इसमें। तो मैं 4-5 चम्मच अभी डाली हूँ, मिक्स करूँगी और उसके बाद और इसमें थोड़ा डालेंगे। तो एक कटोरी तक यहाँ पे घी आप पिघलाया हुआ ले सकते हैं, या हाथों से ऐसे मिक्स करके दे सकते हैं, या थोड़ा कम भी कर सकते हैं, घी आपके ऊपर है। इतना से स्वादिष्ट थोड़ा स्वाद जो है ना इसका थोड़ा और अच्छा बनता है, इसलिए इसमें डालना ज़रूरी है घी। और यहाँ तब तक मैं गैस पे इसको चीनी को पिघला रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा चाशनी नहीं बनाना है, तो उसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तो चाशनी थोड़ा सा एक तार का चाशनी यहाँ तैयार करना है, तो उसको अभी हाई फ्लेम में ही मैं पका रही हूँ। चाशनी को देख सकते हैं थोड़ा सा ये पकने लगे, तो फिर थोड़ा लो करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। तब तक यहाँ घी जो है इस सत्तू और जो पाउडर है दूध पाउडर, उन दोनों को मिक्स करेंगे, घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो एक चम्मच मैं यहाँ और ली हूँ, तो टोटल यहाँ पे लगभग 200 ml तक होगा, या 200 ग्राम भी बोल सकते हैं घी इसमें मैं डालती हूँ इतना में, है ना। और सत्तू का भी ग्राम आप देख लीजिएगा, होगा 300 ग्राम तक सत्तू होगा, और 300 ग्राम ही यहाँ पे जो है दूध पाउडर भी है, तो 600 ग्राम टोटल हो गया है। इधर 400 ग्राम तक चीनी होगा, बस यही माप है। और ये सबको मिक्स कर दिया, इधर ये खौलने लगा है देख सकते हैं, तो खौलते समय थोड़ा देर हाई फ्लेम में उसको छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए है ना, ये सत्तू भी अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें घी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और यहाँ थोड़ी देर खौलते हुए छोड़ दिए, तो यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा सा साइड से आ गया है गंदगी, चीनी का गंदगी निकालना है ना, तो उसको बार बार चलाइए नहीं, एक बार आप चलते हुए थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो ऊपर से गंदगी आ जाता है उसका। तो अब हटा दिए हैं, और बस अब चाशनी जो है ये तैयार भी होने वाला है। ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक है जो आप अपनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत जल्दी बन जाता है ये बर्फी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ देखिए मैं हाथों में देख रही थी, वन तार का चाशनी, मतलब एक तार का चाशनी होना चाहिए यहाँ पे, हल्का सा चिपचिपा दिखा होगा आपको एक तार इसमें। और बस इसी टाइम गैस को बिल्कुल लो कर दिए हैं, और इसको एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से मिलाते जाएंगे, अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देंगे इसको, ये देखिए है ना, बस अच्छी तरह मिक्स करना है, गांठ नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ से फ्लेम को लो कर देंगे, फ्लेम लो फ्लेम में ही इसको जो है पकाएंगे अभी, तो 5-7 मिनट और पकेगा ये, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये जो चना है भुना हुआ है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिल्क पाउडर के साथ मिल करके ना, बहुत ही लाजवाब बर्फी जो है ना बन के तैयार होगा।
आप ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे कलर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इसका, क्योंकि मैं इसको छिलका के साथ ही पिसवा के रखी हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैं कलर ऐड कर दी हूँ ताकि कलर इसमें थोड़ा सा खिल के आए। तो यहाँ देखिए कलर इसमें आ गया है अच्छा। तो बस अब इसको जो है थोड़ा सा और पका देते हैं, 5 से 7 मिनट पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, चाशनी ज़्यादा करक नहीं होने देना है, बस ये जमने की कगार पे आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जमने लगा है मतलब जम जाएगा, हाथों में अपने आप ही भारी लगने लगेगा। ये देखिए चलाने में थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है ना, और नीचे से हल्का हल्का वाइट होने लगेगा, आप देख सकते हैं हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी बर्फ़ी जो है ना बिल्कुल मुँह में घुलने वाला। लास्ट में मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना स्वादिष्ट ये दिख रहा है और कितना टेस्टी बना है, बहुत ही स्वादिष्ट है और देखने में भी लाजवाब है। तो यहाँ आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं, मैं ड्राई फ्रूट में केवल काजू लूँगी और उसको मैं इसमें थोड़ा सा दरदरा कूट के डालूंगी। यहाँ देखिए प्लेट में मैं ग्रीस कर दे रही हूँ, आप चाहे तो बटर पेपर वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं, मैं प्लेट में ही जमाऊंगी। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसमें थोड़ा सा घी जो है ना किनारे तक अच्छे से लगा दिए हैं और ये जमने के लिए तैयार है। तो इसको अच्छे से फैला के रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, मिलाते रहेंगे और फिर इसमें डालेंगे। यहाँ देखिए काजू को मैं थोड़ा सा दरदरा कूट ली हूँ और इस पर डाल दूँगी, ये देखिए ऐसे फैला देंगे उसी घी के ऊपर और ये वो नीचे चला जाएगा, दब जाएगा तो अंदर तक बर्फ़ी में जो है ना चला जाएगा। और यहाँ देखिएगा ऐसे फैला दी मैं, है ना, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, इसमें नीचे डाल दी हूँ और ऐसे देखिए इसको अब हो गया है जमने लायक, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ये बंद की थी उस टाइम आपको दिख रहा था थोड़ा ढीला ढीला ही था ये बंद करने टाइम, अभी थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। तो इसको आराम से निकालेंगे, एक लकड़ी का भी ले लेते हैं, उससे इसको निकालना और आसान हो जाएगा। तो 2 स्पून रखिए आप, आराम से ऐसे दबाते जाइए और निकाल के पूरा सा देखिए फटाफट से मैं इसमें सारा डाल दी और बस इसको अब 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और सेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेट होने के लिए और थोड़ा ढीला में ही बंद करना है क्योंकि ठंडा जैसे होते जाएगा ये जमने लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ा होने का वेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो टाइट हो जाएगा बर्फ़ी, ये बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही परफेक्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ये हेल्दी टेस्टी स्वीट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इस तरह की और भी नई नई रेसिपी देखने के लिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग भी आएंगे। और यहाँ देखिए 2 घंटे में ही ये अच्छा टाइट हो गया है, तो बस अब इसको किनारा थोड़ा सा चाकू से ये देखिए दबा देते हैं ऐसे, है ना, किनारा को थोड़ा छोड़ा देते हैं पहले चिपक गया है तो, और उसके बाद है सो ये लीजिए इस पर उलट देंगे इसको अच्छे से और बस ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए निकल गया। तो ये काजू अच्छे से इसमें चला गया है ना, बिल्कुल भी बाहर नहीं दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको कितना मोटा रखना है, और ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब बन गया है। तो बस यहाँ पे देखिए ये चारों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं, चौकोर शेप में ले लेते हैं। इसका टेक्स्चर आपको मैं दिखा रही थी, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो आगे मैं पूरा कट कर लेती हूँ, फिर तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कि कितना टेस्टी ये दिख रहा है, उतना ही टेस्टी बना भी है, ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। तो आशा है पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अच्छा अच्छा नया नया रेसिपी और ब्लॉग वगैरह आपको मिलता रहेगा इस पर। तो ये हेल्दी टेस्टी स्वीट जो है आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी है और स्वाद में तो एकदम लाजवाब है, स्वाद में भरपूर है स्वाद से। तो आप ज़रूर इसको बनाइए, अभी तोड़ के दिखाती हूँ मैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला है, ये आपको अभी तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं है ना, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में ही इसको आपको लग रहा होगा कि कितना स्वादिष्ट है। तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट बना है, नाप ये रखिएगा आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आशा है पसंद आ गया है, तो लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं इस तरह की और भी नई रेसिपी लेकर के। आप लोग अच्छे से खूब इंजॉय करते हुए रक्षाबंधन मनाइए और खूब हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।